हे एवरीवन, वेलकम बैक टू विद अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक सांप को, इस सांप को मैंने गांव से रेस्क्यू किया था और इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ने के लिए लाया गया है। बट उससे पहले कुछ इस सांप के बारे में आप लोगों को बताने के लिए शूट कर रहा हूं कि सांप से कैसे बचा जाए, इस सांप को बिल्कुल भी ना मारा जाए। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहें और इसके बारे में बताया जा सकता है। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये एक्सपर्ट का काम है। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ बट बस थोड़ा सावधानी बरत कर बचा दिया जाता है सांपों को। ये सांप एक माउस खाया हुआ था जिसे टच किया गया और तुरंत वह माउस उगल दिया। सो आप लोग ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है। और ये सांप एक माउस को निकला था, जिस माउस को आप लोगों को दिखाया जाएगा। देखिए ये माउस इसके पेट से निकला हुआ था। इनकी एक खासियत होती है कि अगर ये कुछ भी चीज़ खाया रहता है और जैसे इसको टच किया जाता है ये तुरंत उसी टाइम उस चीज़ को उगल देता है। तो आप लोग देख सकते हैं। और इनके लार्वा जो होते हैं इतने ख़तरनाक होते हैं, कह सकते हैं कि एक एसिडिक होती है जो किसी भी जीव को अगर खाया रहेगा तो उसे बहुत जल्द से जल्द इसको गला देगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये आधे से घंटे में ये पूरी शरीर इसकी गल जाएगी उसके लार्वा की मात्रा से। सो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको आप लोग गौर करें। इसे कभी भी इस तरह से परेशान नहीं किया जाए। मैं परेशान इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को बस ये बताना है कि ऐसे सांपों से बिल्कुल सावधान रहें। अगर कहीं भी ये सांप दिखे गांव घरों में उसे मारें ना, क्योंकि ये जीव है, इनको भी जीने का हक होता है। हर ज़िले में रेस्क्यूअर टीम होती है, तो अगर कहीं भी कोई भी सांप दिखे तो उस रेस्क्यूअर टीम को आप लोग कॉल करें और वो पूरी टीम पहुँच जाती है बचाने के लिए, क्योंकि दुनिया में हर जीव को जीने का अधिकार है। सो इसको बिल्कुल न मारा जाए, ये हमारे प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति के बचाव के लिए इनका बहुत ज़रूरी होता है होना। और ये सांप इतना भी सैला होता है कि अगर किसी भी इंसान को ये सांप अगर बाइट कर जाए तो उस इंसान की मौत लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद होना तय है, अगर उसको एंटीवेनम नहीं मिला तो। तो गाइस, अगर किसी को भी सांप अगर काट ले गलती से भी तो उसे तुरंत से हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, ना कि उसको झाड़ फूँक के चक्कर में कहीं झाड़ फूँक तंत्र विद्या वालों के पास जाना चाहिए। बिल्कुल बकवास होता है, कोई झाड़ फूँक नहीं काम करता है। एक एंटीवेनम होती है जो कि सांपों के विष से ही बनती है और वो लगभग हर सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे। सो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हॉस्पिटल तुरंत जाएँ और जान बचाने की कड़ी में इंजेक्शन लें। सो गाइस, आप लोग देख कर ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बस आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि ये इनके बिहेवियर क्या होते हैं, इनको कैसे टच करने पर, कैसे क्या करने पर ये बाइट करता है, क्या नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा गलती हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसे इसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो बस इस वीडियो में आप लोग बने रहें और दिखाया जाएगा इसको लास्ट तक कैसे इसका बिहेवियर। बस दिखाने का हम लोगों का ही प्रयास है कि इसका बिहेवियर क्या होता है, कहाँ टच करने पर ये बाइट कर सकता है, क्या करने पर। इसकी खासियत होती है कि अगर ये सांप खड़ा हो जाता है और उसके फन पर अगर प्यार से हाथ रख दिया जाए तो ये कुछ भी नहीं करता है, चुपचाप ये पड़ा रहेगा। मतलब ये भी प्यार की भाषा समझते हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ छिड़खानी करेंगे तो ये तुरंत से बाइट करेगा। तो अब चलिए, टाइम आ गया है कि हम लोग इसको रिलीज करें, ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। देखिए आप लोग, ये अगर इनको पोंछ पकड़ कर अगर लटका दिया जाए तो ये कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए ये सांप काफ़ी थक चुका है इसलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है गाइस। देखिए अब ये कह रहा है कि मुझे छोड़ो, प्लीज़ छोड़ो, जाने दो। चलिए गाइस, अब इसको हम लोग रिलीज करते हैं। बहुत हो गया, उसको रिलीज करने का टाइम आ गया है। अब इसको रिलीज कर देते हैं, अब ये आराम से चला जाएगा क्योंकि ये बहुत थक चुका है। बहुत ही मशक्क़त के बाद हम लोग इसको एक दीवार के बिल से निकाले थे। चलिए इसको छोड़ते हैं, ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा। इसको झाड़ियों में छोड़ देंगे और देखिए चला जाएगा धीरे धीरे। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें।
गाइस सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी हम लोगों का हौसला बढ़ता है। और आप जानते हैं कि एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सेफ रहें सुरक्षित रहें, और ऐसे ही सांपों से आप लोग बिल्कुल न खेलें प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट का होता है और हम लोग भी एक्सपर्ट नहीं हैं, बस थोड़ा सावधानी बरत कर सांपों को बचा देते हैं, इनको बचाना ही बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।